हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने विलियम शेक्सपियर के हेनरी सिक्स पार्ट सेकंड को डिस्कस किया था, है ना। पार्ट वन को नहीं किया था, पार्ट सेकंड को डिस्कस किया था। आज हम पार्ट थर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड जो है ये भी आया था आपका 1591 में आया था, और हेनरी सिक्स पार्ट सेकंड भी 1591 में आया था। हेनरी सिक्स पार्ट वन वो 1592 में आया था। तो ये जो आपका टाइमिंग है कब कब आया था, इस टाइमिंग जैसे जैसे ये आया है वैसे वैसे मैं इसको करा रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। इसका सोर्स है राफेल हॉलिनसेट क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। तो तीनों का सोर्स आपको यही मिलने वाला है और सेटिंग भी यही मिलने वाली है। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, तो लंदन में इसकी सेटिंग रखी गई है। इसके मेन कैरेक्टर्स पे आते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर है किंग हेनरी सिक्स, ये कौन है, ये इंग्लैंड के राजा हैं। किंग हेनरी सिक्स इंग्लैंड के राजा हैं। क्वीन मार्गरेट कौन है, तो क्वीन टू हेनरी सिक्स ये इनकी रानी रहती है, इनकी वाइफ रहती हैं क्वीन मार्गरेट। और एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स, प्ले में हम आगे कहानी पढ़ने वाले हैं, एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स ये कौन है, ये इनके बेटे हैं। किनके बेटे हैं, हेनरी सिक्स और क्वीन मार्गरेट के, ठीक है। उसके बाद अगला जो कैरेक्टर है रिचर्ड प्लांटाजेनेट, ये कौन है, तो ये ड्यूक ऑफ यॉर्क हैं। फिर है एडवर्ड जॉर्ज रिचर्ड एडमंड, ये सब कौन है, तो ये रिचर्ड प्लांटाजेनेट के बेटे हैं, याद रखना है, ठीक है। ये जो ड्यूक ऑफ यॉर्क हैं रिचर्ड प्लांटाजेनेट, ये उसी के बेटे हैं। लॉर्ड होस्टिंग्स, ओके, यस। आगे देखेंगे हम किंग लुइस एलेवन ऑफ फ्रांस, ये कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स कौन है, ये किंग लुइस एलेवन ऑफ फ्रांस हैं। सर जॉन मॉर्टिमर, सर ह्यूज मॉर्टिमर यॉर्क के अंकल हैं, ये यॉर्क के अंकल हैं। किसके, यॉर्क के, ड्यूक ऑफ यॉर्क के अंकल हैं, ठीक है। लेडी ग्रे, ये लेटर क्वीन एलिजाबेथ टू एडवर्ड फोर, तो ये बाद में क्वीन एलिजाबेथ, मतलब बाद में ये बन जाती हैं लेटर क्वीन एलिजाबेथ टू एडवर्ड फोर, यानी कि एडवर्ड फोर की बीवी बन जाती हैं, बाद में ये शादी कर लेते हैं इनसे, ठीक है। तो आगे देखेंगे हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड फीचर द लॉन्गेस्ट सोलिलोक्वी इन ऑल ऑफ शेक्सपियर प्लेज। मतलब यहाँ पे क्या कहा जाए कि हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड जो है ये क्या है, ये शेक्सपियर के सभी प्लेज में सबसे लंबी सोलिलोक्वीज इसमें मिलेगी। शेक्सपियर के सारे प्लेज में से सबसे लंबी सोलिलोक्वीज आपको हेनरी सिक्स में मिलने वाली है, ठीक है। एंड हैज़ मोर बैटल सीन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड हैज़ मोर बैटल सीन फोर ऑन स्टेज एंड वन रिपोर्टेड, तो और इसमें से शेक्सपियर के किसी भी अन्य प्ले की तुलना में अगर बात की जाए, शेक्सपियर के किसी अन्य प्ले की तुलना में अधिक बैटल सीन है, अधिक युद्ध दृश्य है, जिसमें चार आपके स्टेज पे मिल जाएंगे और एक रिपोर्ट पे मिल जाएगा देन एनी अदर ऑफ शेक्सपियर प्लेज, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। तो मुझे लगा समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, ओके। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट सोलिलोक्वी है, इसमें सबसे ज़्यादा बैटल सीन इसमें दिखाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, अब यहाँ से समरी स्टार्ट है, सो जल्दी जल्दी हम समरी कर लेते हैं और समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी, जिससे आपको कहानी के जरिए हम इसको समझेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। तो हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड 1591 समरी है। दिस प्ले इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द वॉर्स ऑफ द रोजेज, ये याद रखना है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो प्ले है, ये जो नाटक है, ये वॉर ऑफ द रोजेज की पृष्ठभूमि में रचा गया है, याद रखना है, ठीक है। ये जो प्ले है वो वॉर ऑफ द रोजेस के बैकड्रॉप पर सेटिंग है इसकी। अ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यॉर्क एंड लैंकेस्टर हाउस ऑफ इंग्लैंड, तो ये याद रखना है कि जो इंग्लैंड के यॉर्क हैं, जो इंग्लैंड के यॉर्क और लैंकेस्टर वंशों के बीच सिंहासन के लिए लंबे समय तक चले संघर्ष को दर्शाता है, ठीक है, याद रखना है। वाइंग फॉर द थ्रोन, ये याद रखना है।
तो ये जो प्ले है ये वॉर्स ऑफ रोजेज की पृष्ठभूमि में रचा गया है, जो इंग्लैंड के यॉर्क हैं और लैंकेस्टर के जो वंश, दोनों के वंशों के बीच सिंहासन के लिए एक लंबे समय तक लड़ाई हो रही है, उसी चीज़ को ये दर्शाता है। ठीक है, किसके लिए? सिंहासन के लिए, यॉर्क और लैंकेस्टर के वंशों के बीच। द प्ले एक्सप्लोर वेरियस थीम्स सच एज पावर, बिट्रेयल, फैमिलियल कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉयलेंस। तो ये याद रखना है कि ये जो प्ले है ये पावर को दिखाता है, यानी कि सत्ता को। इस प्ले में आपको पावर दिखेगी, बिट्रेयल दिखेगा यानी कि धोखा, फैमिलियल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि पारिवारिक संघर्ष, एंड वॉयलेंस और हिंसा के कई पहलू दिखाए गए हैं इस प्ले में। तो ये याद रखना है, हिंसा के कई पहलू इस प्ले में दिखाए गए हैं, पावर है, बिट्रेयल है। ओके, आगे बढ़ेंगे, कहानी को एकदम कहानी की तरह समझेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आगे देखेंगे इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर, यानी कि शुरुआत में जो शुरुआती विवाद और युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था, क्या कैसे शुरुआत हुई इस कहानी की। हेनरी सिक्स की कहानी कैसे स्टार्ट होती है, जहाँ पे शुरुआत विवाद होता है, युद्ध होता है। द प्ले बिगिंस विद अ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल डिस्प्यूट, ये जो प्ले है इसकी शुरुआत एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विवाद से होती है। रिचर्ड प्लांटाजेनेट, ड्यूक ऑफ यॉर्क, रिचर्ड प्लांटाजेनेट जो कौन है, ये ड्यूक ऑफ यॉर्क हैं, डिमांड्स हिज राइट्स फ्रॉम किंग हेनरी सिक्स ऑफ इंग्लैंड एंड वांट्स हेनरी टू डिक्लेयर हिम एज हिज हेयर। समझ में आ गया होगा, कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट से स्टार्ट होती है कहानी, जिसमें ये जो कैरेक्टर है रिचर्ड प्लांटाजेनेट जो ड्यूक ऑफ यॉर्क है, ये इंग्लैंड के राजा हेनरी सिक्स से अपने अधिकारों की मांग करता है और चाहता है कि हेनरी उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करे। ओके, तो ये राजा हेनरी से मतलब मांग करता है कि मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित करो। तो देखते हैं आगे राजा हेनरी क्या करते हैं। हेनरी सिक्स अ वीक एंड अनस्टेबल रूलर, अब ये हम सभी पढ़ लिए थे, हेनरी सेकेंड में ही हमने पढ़ लिया था कि कितने ये कमज़ोर राजा हैं, है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ दिखाया जा रहा है कि हेनरी सिक्स जो हैं वो बहुत ही वीक, बहुत स्वयं मतलब हेनरी सिक्स जो हैं वो स्वयं एक कमज़ोर और अस्थिर शासक हैं, एक अनस्टेबल शासक हैं। अग्रीज टू दिस डिमांड एंड डिक्लेयर्स यॉर्क एज ए सक्सेसर, वो इस मांग को मान लेते हैं और यॉर्क को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, रिचर्ड प्लांटाजेनेट ये डिमांड करता है कि मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाओ, किससे, हेनरी सिक्स से, और जो कि हेनरी सिक्स बहुत ही कमज़ोर और अनस्टेबल शासक रहे हैं, इस वजह से वो क्या करते हैं, रिचर्ड प्लांटाजेनेट को क्या बना लेते हैं, उत्तराधिकारी बना लेते हैं, घोषित कर देते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब आगे इससे प्रभाव क्या पड़ता है, जब ये बना देते हैं रिचर्ड उसको, प्लांटाजेनेट को ये उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं हेनरी सिक्स, तो उससे प्रभाव किस पे पड़ता है। हालांकि क्वीन मार्गरेट जो इनकी रानी है, हेनरी सिक्स की जो रानी है, हेनरीज वाइफ डिसअग्रीज विद दिस डिसीजन, ये मतलब ये जो बना देते हैं प्लांटाजेनेट को, लेकिन अब ये जो इनकी वाइफ है क्वीन मार्गरेट, ये इस डिसीजन से, ये इस फैसले से असहमत होती हैं। सी हार्बर्स हेटर्ड फॉर द यॉर्क फैमिली एंड डिक्लेयर्स वॉर, और वो यार ये जो क्वीन मार्गरेट है ये इस उनके राजा के इस फैसले से असहमत रहती हैं। और क्यों असहमत रहती हैं, क्योंकि वो यॉर्क की फैमिली से बहुत नफरत करती हैं, यॉर्क के परिवार से नफरत करती हैं, और इसी वजह से वो क्या कर देती हैं, युद्ध की घोषणा कर देती हैं। सी इज़ ज्वाइंड बाई हर सन एडवर्ड जो प्रिंस ऑफ वेल्स है, लॉर्ड किलफोर्ड एंड अदर सपोर्टर्स, और क्या होता है, और उसके साथ उसका जो पुत्र एडवर्ड है जो वेल्स का राजकुमार है, लॉर्ड किलफोर्ड और अन्य समर्थक भी होते हैं, वो सभी के साथ हाथ मिला लेती है, सभी को एक सेना इकट्ठा करती है कि हमें वॉर करना है, किस पे वॉर करना है, किसके साथ लड़ाई करना है, यॉर्क से, जिसको राजा ने उत्तराधिकारी बना दिया है। ठीक है, अब आगे क्या होती है स्टोरी में, आगे बढ़ेंगे, आगे क्या होता है कि द बैटल ऑफ वेकफील्ड एंड यॉर्क्स डिफीट, यानी कि अब क्या होता है, वेकफील्ड की लड़ाई और यॉर्क की हार होती है, इसमें क्या देखेंगे, द यॉर्किस्ट सफर अ क्रशिंग डिफीट एट द बैटल ऑफ वेकफील्ड। तो जो यॉर्किस्ट को वेकफील्ड की लड़ाई में करारी हार का सामना करना पड़ता है, युद्ध छिड़ जाता है, तो जो यॉर्किस्ट हैं
इनको मतलब हार का सामना करना पड़ता है। इन दिस बैटल, इस लड़ाई में किलफोर्ड मर्डर्स यॉर्क्स यंगस्ट सन, और इस लड़ाई में जो किलफोर्ड है वो यॉर्क के सबसे छोटे बेटे रटलैंड को मार देता है। याद रखना है इस चीज़ को कि सबसे छोटे बेटे रटलैंड की हत्या कर देता है। फॉलोइंग दिस, क्वीन मार्गरेट एंड किलफोर्ड कैप्चर रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क एंड एग्जीक्यूट हिम। ये भी याद रखना है लड़ाई में क्या क्या होता है। और इस लड़ाई में किलफोर्ड यॉर्क के सबसे छोटे बेटे रटलैंड की हत्या कर देता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद रानी मार्गरेट और किलफोर्ड यॉर्क के ड्यूक रिचर्ड को पकड़ लेते हैं। किसको पकड़ लेते हैं, ड्यूक ऑफ यॉर्क रिचर्ड को पकड़ लेते हैं, जो ड्यूक ऑफ यॉर्क होता है उसको पकड़ लेते हैं और उसे क्या कर देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। दिस ब्रूटल एक्ट ब्रिंग्स अ मेजर क्राइसिस टू द यॉर्क फैमिली, और इस क्रूरता के बाद यॉर्क परिवार पर एक गहरा संकट आता है। ठीक है, ये याद रखना है कैसे कैसे स्टोरी स्टार्ट हुई। अब आगे देखेंगे इस लड़ाई के बाद अभी क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब आगे देखेंगे आगे क्या होता है कि एडवर्ड बिकम्स किंग, एडवर्ड राजा कैसे बनता है ये देखेंगे। ठीक है, एडवर्ड किसका बेटा है, इसी का बेटा है। आफ्टर द डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ यॉर्क हिज एल्डेस्ट सन एडवर्ड रिसीव द सपोर्टर ऑफ द अर्ल ऑफ वारविक। तो ये याद रखना है कि यॉर्क के ड्यूक की डेथ के बाद उनके जो सबसे बड़े बेटे एडवर्ड को अर्ल ऑफ वारविक का समर्थन मिलता है। किसका, अर्ल ऑफ वारविक का समर्थन मिलता है एडवर्ड को जब उनके फादर की डेथ हो जाती है तब। एडवर्ड स्टेप्स अप एज यॉर्क्स एयर। अब क्या होता है, एडवर्ड जो है वो यॉर्क को उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ाता है, एडवर्ड यॉर्क को। ठीक है, एट द बैटल ऑफ टॉटन, याद रखना है इसको, टॉटन की लड़ाई में एडवर्ड एंड वारविक टेक रिवेंज ऑन क्वीन मार्गरेट आर्मी ड्यूरिंग, यहाँ तक देख लेते हैं। अब क्या होता है, मतलब यहाँ पे समझ में आ गया, इसके फादर की तो डिक, मतलब जिसको किंग हेनरी जो हैं हेनरी सिक्स जो हैं जिसको उत्तराधिकारी बना देते हैं उसको तो मार देते हैं। अब उसका बेटा जो एडवर्ड है वो क्या करता है, उसका सहारा कौन बनता है, अर्ल ऑफ वारविक सहारा बनता है। अब जो यॉर्क की जो उत्तराधिकारी है उसको आगे बढ़ाता है एडवर्ड। और बैटल ऑफ टॉटन में क्या होता है, एडवर्ड और वारविक ये दोनों मिल जाते हैं। अब ये मार्गरेट की आर्मी से, जो क्वीन मार्गरेट उस पर हमला कर देते हैं, उसके परिवार से नफरत करती है, तो क्वीन मार्गरेट जो नफरत करती है आके पूरा लोग क्या कर देते हैं, मार देते हैं उसके बेटों को यॉर्क के। तो एडवर्ड और वारविक दोनों मिलके अब इससे बदला लेना चाहते हैं, क्वीन मार्गरेट की आर्मी से बदला लेना चाहते हैं। ठीक है, याद रखना है, बदला लेते हैं। ड्यूरिंग विच लॉर्ड किलफोर्ड इज किल्ड, और इसी बीच ये लोग क्या करते हैं इसी दौरान ये लोग लॉर्ड किलफोर्ड को मार देते हैं। आफ्टर द डेथ, अब आगे देखेंगे, आफ्टर द बैटल एडवर्ड इज प्रोक्लेम्ड किंग एडवर्ड फोर्थ ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पे क्या कहा है, लड़ाई के बाद एडवर्ड को इंग्लैंड का राजा घोषित कर दिया जाता है। अब इस लड़ाई के बाद, किस लड़ाई के बाद, बैटल ऑफ टॉटन की लड़ाई के बाद एडवर्ड को इंग्लैंड का राजा घोषित कर दिया जाता है, और वह एडवर्ड फोर के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, ये जो एडवर्ड है वो एडवर्ड इंग्लैंड के एडवर्ड फोर्थ के नाम से जाना जाता है। ही नेम्स हिज ब्रदर्स जॉर्ज एंड रिचर्ड एज द ड्यूक ऑफ क्लेरेंस एंड ग्लोसेस्टर रिस्पेक्टिवली। अब वो क्या करता है, जब ये राजा बन जाता है तो ये अपने दोनों भाइयों को, जॉर्ज और रिचर्ड को, तो जॉर्ज को तो ये ड्यूक ऑफ क्लेरेंस बना देता है और रिचर्ड को ड्यूक ऑफ ग्लोसेस्टर बना देता है। ठीक है, याद रखना है, ड्यूक बना देता है दोनों को जब ये राजा बन जाता है इंग्लैंड का। अब कहानी कहाँ मोड़ ले रही है, आगे देखेंगे। आगे क्या होता है, वारविक बिट्रेयल। अब जो वारविक एडवर्ड के साथ मिलके, दोनों तो मिल जाते हैं, उसकी पत्नी जो क्वीन मार्गरेट की पत्नी से, मतलब क्वीन मार्गरेट से तो बदला ले लेते हैं। अब वारविक धोखा देता है किसे, एडवर्ड को, यहाँ पे देखेंगे। आफ्टर एडवर्ड बिकम्स किंग, एडवर्ड के राजा बनने के बाद वारविक एक्सपेक्ट हिम टू मैरी अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। ये क्यों मदद करता है, क्योंकि वारविक की एक बेटी रहती है, सोचता है कि एडवर्ड जब राजा बन जाएगा तो मैं अपनी बेटी की शादी एडवर्ड के साथ करा दूंगा। लेकिन अब ये सोचता है कि राजा तो बन गया है, अब हो सकता है, देखते हैं कहानी में क्या होता है, कि आफ्टर एडवर्ड जब ये राजा बन जाता है तो वारविक को
ये उम्मीद रहती है, वार्विक को उम्मीद थी कि एडवर्ड अपने राजनीतिक उद्देश्यों के अनुसार शादी करेगा, मतलब पॉलिटिकल जिसमें फ़ायदा होगा वही शादी करेगा। अब वार्विक जो है, मैं तो मदद किया हूँ इसकी, तो मैं अपनी बेटी से अगर शादी कराना चाहूँगा तो ये कर लेगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल, हम सभी हमारा एक रिश्ता भी बना रहेगा और पॉलिटिकल जो चीज़ें रहेंगी वो भी बना रहेगा, तो इसको ऐसी उम्मीद रहती है वार्विक को। लेकिन एडवर्ड करता क्या है, बट एडवर्ड मैरीज लेडी ग्रे इंस्टीट, लेकिन इसके बजाय एडवर्ड किससे शादी कर लेता है, लेडी ग्रे से शादी कर लेता है, जिसके कारण वार्विक को गुस्सा आता है और ये इसको धोखा देता है एडवर्ड को, ठीक है। दिस इनरेज वार्विक हु स्विचेस साइडेड एंड ज्वाइंस क्वीन मार्गरेट। फिर से दोबारा से आ गया वार्विक, अब इसको तो धक्का लग गया, इसको लगा होगा कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव की वजह से शादी करेगा, बट ये शादी किससे कर लेता है, लेडी ग्रे से शादी कर लेता है, ठीक है, ये लेडी ग्रे से शादी कर लेता है। और इससे नाराज होकर वार्विक रानी मार्गरेट के पक्ष में ले लेता है। अब इससे नाराज हो गया वार्विक, अब ये किसके साइड आ गया, क्वीन मार्गरेट के साइड आ गया, ठीक है। जब उससे बदला लेना हुआ तो एडवर्ड के साइड आ गया, अब एडवर्ड से बदला लेना है तो क्वीन मार्गरेट की साइड चला गया कौन, वार्विक, याद रखना है। वार्विक मैरिज हिज डॉटर टू क्वीन मार्गरेट सन द प्रिंस ऑफ वेल्स, समझ में आ रहा है ना, ये अपनी बेटी की शादी कहीं ना कहीं एडवर्ड से कराना चाहता था, लेकिन एडवर्ड लेडी ग्रे से शादी कर लेता है, तो इसी वजह से अब वार्विक इसके पास आ गया, क्वीन मार्गरेट के पास, तो ये अपनी बेटी की शादी क्वीन मार्गरेट के बेटे द प्रिंस ऑफ वेल्स के साथ कराता है, एंड ऑल्सो परसुएड एडवर्ड्स ब्रदर जॉर्ज जो ड्यूक ऑफ क्लेरेंस है टू ज्वाइन हिज साइड, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो वार्विक है ये अपनी बेटी की शादी मार्गरेट के बेटे वेल्स के राजकुमार से करवा देता है, और एडवर्ड के भाई जॉर्ज जो है जिसे ड्यूक ऑफ क्लेरेंस को भी अपनी ओर कर लेता है, एडवर्ड का जो भाई है जिसे ड्यूक ऑफ क्लेरेंस बनाया था ना एडवर्ड ने, उसको भी अपने साइड कर लेता है कौन, ये वार्विक, ठीक है। मुझे लग रहा है स्टोरी समझ में आ रही होगी। एडवर्ड फोर इज कैप्चर्ड बट इज लेटर रेस्क्यू बाय हिज यंगर ब्रदर रिचर्ड एंड लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो एडवर्ड फोर को क्या कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, लेकिन बाद में उसे उसके छोटे भाई रिचर्ड और जो लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा बचा लिया जाता है। आगे देखेंगे हेनरी सिक्स रिस्टोर्ड टू द थ्रोन एंड वार्विक्स डेथ, ठीक है। आगे देखेंगे कि हेनरी सिक्स का पुनः राज्याभिषेक होता है और वार्विक की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, हेनरी सिक्स इज रिस्टोर टू द थ्रोन, हेनरी सिक्स जो हैं वो हेनरी सिक्स को एक बार फिर इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। मीनवाइल द यंग अर्ल ऑफ रिचमोंड, और इसी बीच युवा अर्ल ऑफ रिचमोंड हु विल लेटर बिकम किंग हेनरी सेवन, जो बाद में राजा हेनरी सेवन बनता है, उसको क्या किया जाता है, इज़ फोर्स टू गो इनटू एग्जाइल इन फ्रांस टू एस्केप द यॉर्किस्ट। इस बीच युवा अर्ल ऑफ रिचमोंड को मजबूर होकर फ्रांस में निर्वासन में जाना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखना है कि हेनरी सिक्स को दोबारा से गद्दी पर बैठाया जाता है, और इसी बीच दो यंग अर्ल ऑफ रिचमोंड है उसे कहाँ भेज दिया जाता है, उसे मतलब रिचमोंड को मजबूर होकर फ्रांस में निर्वासन में जाना पड़ता है, और यही आपके जो अर्ल यंग अर्ल ऑफ रिचमोंड है यही बाद में राजा हेनरी सेवन बनते हैं, याद रखना है। क्या होता है, आफ्टर वर्ड एडवर्ड फोर रीग्रुप्स हिज फोर्सेस एंड डिफीट्स वार्विक एट द बैटल ऑफ बार्नेट वेयर वार्विक इज किल्ड एंड अनदर बैटल एडवर्ड किल द प्रिंस ऑफ वेल्स एंड कैप्चर क्वीन मार्गरेट। आगे स्टोरी में क्या होता है, आगे इसके बाद क्या होता है कि एडवर्ड फोर जो है वो अपनी सेना को संगठित करता है, इकट्ठा करता है, और बॉर्नेट की लड़ाई में वार्विक को हरा देता है, ठीक है। बॉर्नेट की लड़ाई होती है, एडवर्ड फोर क्या कहता है उसमें वार्विक को हरा देता है और उसे मार डालता है, वार्विक को मार डालते हैं एडवर्ड फोर, और एक और लड़ाई में एडवर्ड वेल्स के राजकुमार की हत्या कर देता है और रानी मार्गरेट को बंदी बना लेता है, ठीक है, यह याद रखना है। एक और लड़ाई होती है, उस लड़ाई के बारे में नहीं बताया गया है, एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स को मार देता है, क्वीन मार्गरेट के बेटे को मार देता है और क्वीन मार्गरेट को बंदी बना लेता है, ठीक है, याद रखना है। अब यहीं पर है लास्ट शायद, आगे हम देखेंगे कि रिचर्ड राइज टू पावर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रिचर्ड की शक्ति की ओर यात्रा क्या होती है, इन द फाइनल पार्ट ऑफ द प्ले के अंतिम भाग में अगर हम आ गए हैं तो एडवर्ड फोर्स यंगर ब्रदर रिचर्ड, एडवर्ड का जो सबसे छोटा भाई है रिचर्ड, हु विल लेटर बिकम रिचर्ड थर्ड, जो बाद में रिचर्ड थर्ड के नाम से जाना जाएगा इंग्लैंड के,
तो यहाँ पे याद रखना है कि प्ले के अंतिम भाग में हम देखेंगे कि एडवर्ड फोर का सबसे छोटा भाई रिचर्ड, जो बाद में रिचर्ड थर्ड बनता है, बिगिंस टू परसू हिज एम्बिशन, वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाता है। ही इज़ डिटरमिन्ड टू एलिमिनेट ऑल ऑब्स्टिकल्स इन हिज पाथ, उसके रास्ते में वह सभी बाधाओं को ख़त्म करने के लिए तैयार है, जो इसी क्रम में वह सभी बाधाओं को ख़त्म करने के लिए तैयार है, स्टार्टिंग बाय मर्डरिंग किंग हेनरी सिक्स। बताइए अभी ये क्या कर रहा है, वो सभी बाधाओं को ख़त्म करने के लिए तैयार है जो इस क्रम में वो राजा हेनरी सिक्स की हत्या करवा देता है। मतलब अब वो क्या है, ये इसके एम्बिशन बढ़ने लगे हैं कि मैं राजा बनूंगा। कौन कौन? एडवर्ड फोर का छोटा भाई रिचर्ड, जो बाद में रिचर्ड थर्ड बन भी जाएगा। अब ये क्या करता है, इसकी एम्बिशन इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये सोचता है कि इस रास्ते में मैं राजा बनूंगा, कुछ भी होगा मैं राजा बनूंगा, और इस रास्ते में जितनी भी ऑब्स्टेकल आएंगे मैं सबको हटा दूंगा, चाहे वो हेनरी सिक्स क्यों ना हो, मैं उसे भी हत्या करवा देता है, और हत्या करवा ही देता है। हु इज़ इम्प्रिजन इन द टावर ऑफ लंदन, ठीक है ये याद रखना है, वो हत्या करवा देता है जो टावर ऑफ लंदन में कैद था, ठीक है। बिफोर हिज डेथ, बिफोर हिज डेथ हेनरी सिक्स प्रोफेसीज दैट रिचर्ड्स लाइफ विल बी फिल्ड विद डेसिट विलेनी एंड इन फैमी। तो ये क्या करता है, हेनरी सिक्स को तो मरवा देता है, कौन ये रिचर्ड मरवा देता है जो टावर ऑफ लंदन में कैद भी हो चुका है अब, लेकिन अपने मरने से पहले हेनरी सिक्स अपने मरने से पहले ये भविष्यवाणी करता है कि रिचर्ड का जीवन धोखे कुकर्मों और कुख्यात से भरा होगा। ये हेनरी सिक्स मरने से पहले भविष्यवाणी करता है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे एंड ऑफ द प्ले में हम देखेंगे, द प्ले कंक्लूड्स विद द बर्थ ऑफ एडवर्ड फोर्थ सन। प्ले के अंत में, प्ले का अंत तब होता है जब राजा एडवर्ड फोर की पत्नी को एक बेटा जन्म देती है, एक बेटा होता है, एक पुत्र जन्म देती है, हु इज़ डेस्टिन टू बिकम एडवर्ड फिफ्थ, जो आगे चलकर एडवर्ड फिफ्थ बनेगा। दिस इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द यॉर्क डायनेस्टी रेन, और ये क्या होता है, इससे यॉर्क की वंश की सत्ता की निरंतरता सुनिश्चित होती है। मतलब ऐसा है कि यॉर्क के जो वंश है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। अभी एडवर्ड फोर का बेटा, एडवर्ड फोर की पत्नी जो है लेडी ग्रे थी ना, लेडी ग्रे थी, वो क्या करती है, वो एक पुत्र को जन्म देती है जो बाद में एडवर्ड फिफ्थ बनेगा। और इससे यही साबित होता है कि यॉर्क वंश की जो सत्ता है वो लगातार निरंतर सुनिश्चित होती है। बट रिचर्ड्स एम्बिशन एंड क्रुएलिटी कंटिन्यू टू बी अ सेंट्रल थीम लीडिंग इनटू फ्यूचर प्लेज, लेकिन रिचर्ड की जो महत्वाकांक्षा और क्रूरता की कहानी है अभी ख़त्म नहीं होती है, जो आगे आने वाले प्लेज में हम विकसित है और आगे आने वाले प्लेज में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी स्टोरी आपकी हेनरी थर्ड की, हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड की स्टोरी थी। आई जस्ट होप कि समझ में आ गया होगा। अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें कि क्या होता है, तो हेनरी सिक्स जो पार्ट थर्ड है वो बेहद जटिल और हिंसक प्ले है, जो सत्ता युद्ध और पारिवारिक धोखाधड़ी की कहानी को दर्शाता है, दिखाया जाता है इसमें। इस प्ले में उस समय की राजनीतिक अस्थिरता और क्रूरता को उजागर करता है, जिसमें शासक और उनके परिवार सत्ता की होड़ में अपने नैतिक मूल्यों और रिश्तों की दाव पर लगा देते थे। मतलब सत्ता पाने के चक्कर में वो कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये थी स्टोरी, जस्ट होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, जिसको आप इजीली पढ़ सकते हैं क्या क्या है, ठीक है। वैसे मैंने लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ा दिया है, स्टोरी भी समझा दी है, ओके। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी समझ में आई या नहीं आई, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। और इसके बाद हम हेनरी पार्ट वन पढ़ने वाले हैं, देन रिचर्ड पढ़ने वाले हैं, सब स्टोरी तब समझ में आएगी, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोग से एक और आप लोग बताइएगा कि शेक्सपियर के कौन सा ऐसा प्ले है जो आपको समझ में नहीं आता, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जो डिस्कस करना है वो आप लोग बताएंगे, फिर मैं डिस्कस करूंगी, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।